हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए मैं आपको बहुत ही सुंदर डोरमेट और थालपोश बना के दिखाऊंगी। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमने दो कलर ले लेने हैं। ये देखिए मेरे ऊन थोड़ी पतली है इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया। एक क्रोशिया वाली ऊन है इसलिए डबल कर लिया है दोनों कलर को। और पूरी एक पत्ती मैं आपको बनाना बताऊंगी और दूसरी किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे मैंने वाइट कलर के डाले हैं और 16 फंदे रेड के। तो 30 फंदे टोटल हैं। 30 फंदों से मैं आपको डिजाइन डालना बताऊंगी। ये हमने सिंगल धागे से देखिए किस तरह से फंदे डालने हैं। इस तरह से पकड़ लीजिए, पहले 14 फंदे हम वाइट कलर से इस तरह से डाल लेंगे, ये देखिए। फिर अगले 16 फंदे हम रेड कलर से इस तरह से, ये देखिए, जिस तरह से भी आपको फंदे डालने आते हैं आप उस तरह से डाल लीजिए इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारी पहली सिलाई, फंदे डालने के बाद जो पहली सिलाई लगाएंगे हम, तो इस तरह से हमारे ये फंदे आएंगे। पहले हमारे वाइट आएंगे फिर रेड आएंगे। तो पहली सिलाई देखिए किस तरह से हम बनाएंगे फंदे डालने के बाद। पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, 14। अब 14 फंदे हम रेड के बनाएंगे। और ये देखिए ये जो हमारे 14 फंदे हैं वाइट वाले, ये 14 ही रहने चाहिए क्योंकि दो हम यहाँ पे छोड़ते जाएंगे, दो दो, तो 14 14 ही हम बनाते जाएंगे इनको। ये कम नहीं होंगे, रेड वाले दो दो कम होते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमने ये जो दो फंदे रेड के हैं इनको हम वाइट से बना देंगे इस तरह से, 1 2। अब पूरे 14 फंदे हम वाइट के बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इन दो फंदों को हम छोड़ देंगे, यहीं से हम पलटेंगे इसको। ये देखिए अब धागा अपनी साइड को करेंगे, पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और फिर से इन फंदों को जैसे जैसे हमारे फंदे हैं जिस जिस कलर के वैसे ही बना देंगे सीधी साइड से। ये देखिए ये 14 फंदे हमारे वाइट ही बनेंगे। और अगले 16 में से हमारे 14 फंदे बच गए रेड के। देखिए धागा इस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस करना है, धागा आगे लाए और 14 फंदे हम रेड के बना देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धागा आगे करा और 14। अब फिर यहीं से पलटेंगे, पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब हम 12 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगली बार फिर 10 बनाएंगे इस तरह से, 8 6। जब तक हमारे पास यहाँ पे दो फंदे नहीं बच जाते जब तक हम वाइट यहाँ तक लेके आएंगे, और ये 14 ही बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो पहले छोड़े थे, दो अब छोड़ेंगे। अब यहीं से हम पलटेंगे, अब इस वाली सिलाई में हम जिस तरह से हमारे फंदे हैं वैसे ही बना देंगे। 14 वाइट हैं तो वाइट ही बनाएंगे। ये तो हमारे 14 14 ही बचेंगे,
जो व्हाइट वाले हैं, सिर्फ रेड वाले कम होते जाएंगे। अब फिर से पीछे करेंगे धागे को और रेड वाला धागा जो है उसको आगे लेके आएंगे और इन फंदों को रेड से बना देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा आगे करा और एक सीधा बनाए 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये दो हम व्हाइट से बनाएंगे, धागा इस साइड को करेंगे और इन दो को व्हाइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14। अब दो फंदे हम फिर से यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से पलटेंगे। जिस जिस कलर के हमारे पास धागे हैं उससे हम ये वाली सिलाई पूरी बना देंगे। इस तरह से हम इस साइड दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे और इस साइड दो दो बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास ये दो फंदे नहीं बच जाते, जब तक हम इस तरह से यहाँ तक बना देंगे और यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ दो फंदे छोड़ने तक, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास दो फंदे बचे हैं और ये देखिए इस तरह से दो दो हम छोड़ते जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बार हमने दो दो फंदे छोड़े हैं और यहाँ पे दो फंदे बच गए हैं। अब देखिए, अब ये जो रेड वाले हैं इनको हम बढ़ाते जाएंगे, दो ये हैं, दो और बढ़ाएंगे और यहाँ के दो हम इसके साथ जोड़ते जाएंगे। अगली सिलाई में फिर दो, अगली फिर दो, अगली दो, इस तरह से हम लास्ट तक बनाएंगे। तो देखिए, पहले हमने पहला फंदा ऐसे उतारा, अगला हमने उल्टा बनाया। अब यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे ताकि यहाँ पे गैप ना आए, इस तरह से। और अब ये जो हमारे वाइट हैं इन दो को हम रेड बना देंगे। अब फिर से हम 14 फंदे वाइट के ही बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। अब इन दो को जो हम छोड़ते आए हैं इनको भी इसके साथ दो को ही बनाएंगे, फिर अगले बार में इन दो को। तो पहले हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, दो का एक कर देंगे, यहाँ पे फिर गैप नहीं आएगा। ये देखिए फिर से 14 फंदे हो गए। यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे। अब इन 14 फंदों को हम वाइट वाले बना देंगे, 3, 4 आगे नहीं हम बनाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये जो हमारे रेड वाले फंदे हैं, अब ये बढ़ते जाएंगे जितने हमारे फंदे हैं, 16 फंदे हम रेड के कर देंगे और 14 फंदे फिर हमारे वाइट के बच जाएंगे। तो ये देखिए, अब इस सिलाई में दो फंदे और बढ़ जाएंगे हमारे। पहला फंदा ऐसे उतारा, 2, 3, 4 अब ये दो रेड के बन जाएंगे, फिर अगले 14 हम वाइट के बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो छोड़े हुए हैं दो यहाँ से जोड़ देंगे। पहले एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, इन दो का एक कर देंगे ताकि गैप ना आए, ये हो गए 14। अब अगली बार फिर अगले जोड़ेंगे हम,
यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे। अब जो वाइट है उनको हम वाइट से बनाएंगे और जो रेड है उनको हम रेड से बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम दो दो फंदे जोड़ते जाएंगे, यहाँ दो दो हम रेड के बढ़ाते जाएंगे और आगे तक, यहाँ तक आते आते ये देखिए 16 फंदे हमारे रेड के हो जाएंगे और 14 फिर हमारे वाइट बचेंगे। तो इस तरह से मैं ये बना लेती हूँ लास्ट तक, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, अब दो फंदे यहाँ बचे हैं, अब दो यहाँ बढ़ा देंगे हम। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, रेड हमारे 16 होने चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 हुए, अभी दो और बढ़ाएंगे 15 और 16। अब हम लास्ट तक वाइट के बना देंगे, दो ये 14 बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक फंदा यहाँ बीच में से, 13 और 14। अब यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे हम, अब जिस जिस कलर के हमारे पास फंदे हैं वो हम बना देंगे। 14 फंदे हम वाइट के बनाएंगे, 16 हम रेड के बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से दिखाती हूँ आपको। अब फ्रेंड देखिए, इसके साथ ही हमारी पत्ती पूरी कंप्लीट हो गई। अब दो सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी, देखिए दोनों उल्टी उल्टी हम इस कलर से बना देंगे, रेड वाले से। तो ये जो हमारे व्हाइट वाले फंदे हैं इनको भी हम रेड से बना देंगे। तो देखिए किस तरह से 30 फंदों को टोटल इसी रेड कलर से लास्ट तक बुन देंगे। ये 16 फंदे हमारे रेड वाले हो गए। अब आगे जो व्हाइट के हैं 14, इनको भी हम इसी कलर से बुन देंगे। जब हमारी पत्ती कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तब हमें दो सिलाइयाँ रेड कलर की बना देंगे। अब इसके बाद फिर अगली सिलाई भी हम उल्टी ही बनाएंगे और फिर दोबारा से मैं आपको पत्ती बनाना दिखाऊंगी किस तरह से हमने दोबारा से स्टार्ट करना है इसको। तो इस तरह से देखिए धागा आगे करा हमने और सभी फंदों को लास्ट तक उल्टा बना देंगे, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पूरी पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई। जब हम लास्ट वाली पत्ती बनाएंगे तब भी हम ए वाली सिलाई के बाद सभी फंदों को बंद कर देंगे और फिर इसको ये देखिए इसके साथ इस तरह से सुई से जोड़ देंगे, इस तरह से दोनों को यहाँ से यहाँ तक। रेड वाले पे हमने ख़त्म करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे रेड की हमारी ये वाली धारी आनी चाहिए यहाँ पे। फिर इस सिलाई पे हम सभी फंदों को बंद कर देंगे, ये वाली धारियाँ दो एक बनाने के बाद इस वाली सिलाई पे हम बंद कर देंगे। अब देखिए ये वाला हम किस तरह से बनाएंगे, अगला जो हम स्टार्ट करेंगे 16 फंदे बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब अगले 14 हम वाइट कलर से बनाएंगे, जो हमारी पहली सिलाई है जिस तरह से हमने फंदे डाले थे वो वाली ये बन के आ गई। देखिए 14 फंदे हमने वाइट के बना लिए और 16 हमने रेड के बना लिए लास्ट तक। अब देखिए सीधी सिलाई पे
ये हमारे वाइटी बनेंगे और ये हमारे रेडी बनेंगे। फिर इससे अगली वाली सिलाई पे हमने जो हमने पहली सिलाई बनाई थी वो वाली लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये वाली सिलाई मैं लगा लेती हूँ। अब देखिए दोबारा से हमने स्टार्ट करना है इसको, एक 14 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे रेड के और 14 ही वाइट के, और ये दो छोड़ देंगे। तो ये जो दो हमारे रेड के हैं धागा इस साइड को लाएंगे और इन दो को हम वाइट से बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन दो को छोड़ देंगे, यहीं से पलटेंगे इसको और जिस जिस तरह के हमारे फंदे हैं वैसे वैसे इनको बना देंगे उसी कलर से। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड पूरी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब इस तरह से हमें दो दो फंदे रेड वाले घटते जाएंगे और वाइट वाले बढ़ते जाएंगे जब तक हमारे पास दो नहीं बच जाते। उसके बाद फिर दो दो हम इस तरह से रेड के बढ़ाते जाएंगे। पहले देखिए हमने रेड के घटाए फिर हमने बढ़ाए, तो इस तरह से हमारी पत्तियां बन के ये कंप्लीट हो गई हैं। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको बना देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये थाल पोस बन के कम्प्लीट हो जाता है इसी तरह से राउंड राउंड में। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से लास्ट में फिर हमने इसको सिल देना है सुई से और यहाँ सेंटर में हमने फ्लावर लगा देना है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।